हमारे साथ है डॉक्टर मनीषा गुप्ते, पुणे में बहुत वरिष्ठ एक महिला कार्यकर्ता। डॉक्टर मनीषा गुप्ते, ये हम इलेक्शन के सिलसिले में थोड़ी बात करेंगे। आपका जो तजुर्बा है सामाजिक काम को लेकर और राजनीतिक काम को लेकर, आप किस नज़रिए से इलेक्शन देख रही हैं? मैं इस इलेक्शन को नाउ और नेवर के हिसाब से देख रही हूँ। नाउ और नेवर मतलब कोई बहुत डिप्रेशन में जाके या इस तरह का नहीं, लेकिन संविधान के लिए ये नाउ और नेवर इशू है। ये लोकतंत्र रहेगा कि नहीं, इसके लिए एक नाउ और नेवर इशू है। ये अगले इलेक्शंस भी होंगे कि नहीं, इसके लिए नाउ और नेवर इशू है। अब ठीक है, एक को निकाल दिया, उन्होंने कहा हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे, उन्होंने शायद भोलेपन में बोल दिया होगा, जो अंदर बातें उन्होंने सुनी होंगी। हमें ये बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है कि इस पार्टी का जो फाउंटेन हेड है, जो स्रोत है, वो फैशिस्ट है। और फैशिज्म और डेमोक्रेसी तो आप तो एक इसमें बोल ही नहीं सकते, साथ में बोल नहीं सकते। तो ये नहीं कि पिछली जो सरकारें थे उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, किया भी, ये नहीं कि नहीं किया। राइट टू यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ केयर से लेके काफी कुछ किया, लेकिन बाकी किसी भी सरकार में और इस सरकार में ये फर्क ये ऐसा है कि बाकी पार्टियों का जो स्रोत है वो स्वतंत्रता संग्राम के साथ जुड़ा हुआ है। वो जो उस वक्त के गांधी, नेहरू, इन सबके सपनों के साथ जुड़ा हुआ है, वो संविधान के साथ में जुड़ा हुआ है, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ह्यूमन राइट्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो बाकी सरकार में है, और इस सरकार का जो है ये मकसद ही है कि अपने जो संविधान है ये ना रहे, और इस हिसाब से मैं नाउ एंड नेवर कह रही हूँ। तो मैं इस से इसको देख रही हूँ। पूना शहर में सबसे पहला इंसिडेंट हुआ था मोहसिन शेख वाला, जून 2014 में। उसके बाद इख्तलाफ का डेढ़ साल बाद हुआ। तो ये जो एक सिलसिला अल्पसंख्यकों के ऊपर हावी होने का जो ये सरकार के दरमियान हुआ है, और बाकी भी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के खिलाफ होना, कोई भी सवाल करे उनके ऊपर हावी हो जाना, ये तो ऑलरेडी ये साइंस हमारे सामने आई है, इसको आप कैसे देखते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि दो तीन किस्म का होता है। एक तो ये होता है कि एक शासन बड़ा वाला होता है, वो अपने तरीके से कुछ करता है, उनकी विचारधारा क्या है। दूसरी तरफ से ये लोन वुल्फ अटैक्स, हमें नहीं मालूम किसने किया। आपने जो अंदर वाली पुलिस की बात की, वाली जो की, तो वो एक लोन वुल्फ जो है वो। और तीसरा है मॉब लिंचिंग, कि भाई उनके जो है वो संवेदना जो है वो हर्ट हो गई, इकट्ठा है और उन्होंने ये कर दिया जो करना था। कोई दंगा होता है उसके बाद में हमको पीस मार्च निकालना होता है, तो बोला जाता है कि आपके करने से जो है वो कम्युनल वातावरण खराब हो जाएगा। दंगा करने वाला तो करके चला गया, तो यहाँ पे हमारे इधर बच्चा मारा गया मोहसिन शेख। मैं कहती हूँ कि अगर उसने भी वो फेसबुक की पोस्ट डाली होती जो आक्षेप आ रहा है, तब उसको सड़क पे इस तरह से मारना, हॉकी स्टिक से पत्थरों से मारना, ये कोई कैंगरू कोर्ट, ये कोई कौन से इसमें मुल्क में हम रह रहे हैं कि इस तरह का होता है। और उसने वो डाला भी नहीं था। उसके बाद ये भी नहीं हमें भूलना चाहिए कि ये जो चार का सिलसिला है, डॉक्टर दाभोलकर है, कॉमरेड पानसरे हैं, कलबुर्गी हैं, प्रोफेसर कलबुर्गी, गौरी लंकेश, उसके सिलसिले में भी दाभोलकर जी पुणे में ही मारे गए हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात कि अभी सरकार तय करेगी कि हमने क्या खाना है, ये सरकार तय करेगी कि हमें किस तरह से बात करनी है, और हम अपने आप को कहेंगे कि हमें किस तरह से बात करनी है। तो मुझे लगता है कि जो छोटे अब ये हो रहा है, तो पुलवामा में क्या हो रहा है, मोहम्मद अखलक है, उनके इसके अंदर जो है वो बीफ था कि नहीं, मैं कहती हूँ बीफ था तो क्या हुआ। पहलू खान गो रक्षक थे डेरी वाले, पर क्यों? क्योंकि वो मुसलमान है। तो ये जो बातें हैं कॉमन एनिमी बनाना, ये फैशिज्म का एक बहुत खतरनाक सिम्टम है, और वो शिफ्ट होता रहेगा, कौन होगा। लेकिन उसमें जो है वो पहले देखते हैं कि आम जो है जमहूरियत है, जो लोग मतलब लोग हैं, तो उनका किसके खिलाफ हम पहले इसको इकट्ठा कर सकते हैं, और उसको पहले जो है वो उड़ाना, उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट पकड़ना, और बाकी सबको भी डराते रखना। मतलब अगर मुसलमान भी अगर इनका सबसे बड़ा आज एनिमी है, तब भी विचार करने वाला अगर वो हिंदू भी हो, सवर्ण भी हो,
ब्राह्मण भी हो तब भी उसके खिलाफ वो आ जाएगा। तो जैसे होता है ना कि सड़क के ऊपर एक लड़की कहीं रात को बाहर निकल रही है, तो अगर उसके ऊपर आपने अटैक किया तो लोग सवाल क्या पूछेंगे, वो बाहर क्यों थी, लोग ये नहीं पूछेंगे कि लाइट क्यों नहीं थी, लोग ये नहीं क्यों पूछेंगे कि लड़की के ऊपर करने का किसको अधिकार क्या था। तो मुझे लगता है इस तरह के सारे जो विचार हैं, तो ये इन अ मोमेंट ऑफ डार्कनेस ये सारे आते हैं। और मुझे लगता है कि इफ वी वांट टू चैलेंज दैट मोमेंट ऑफ डार्कनेस, तो फिर जो बाहर का जो पुलिस है उससे भी ज्यादा हमारे अंदर का जो पुलिस है, जो किसी को कुछ नहीं करना पड़ता। इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में मैं थी, तब भी कोई इतना डरा हुआ नहीं दिखाई देता था। अभी और भी डरावना लगता है, बहुत बहुत। उस वक्त जो है वो आपको डर नहीं था आप किसके साथ क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आज आप परिवार के साथ में खाना, परिवार मतलब अपना इमीडिएट नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप से आपके स्कूल के दोस्त है, आपके कॉलेज के दोस्त है, सुबह से लेकर रात तक जो उस पे चलता है, तो लोगों ने सोचना बंद कर दिया। और ये भी फैशिज्म का एक सिम्टम है कि आप सोचने पे ताला लगा। देखिए हमको मार डालते हैं ना, तो वी आर मोर डेंजरस डेड देन अलाइव। आज हमारे मीटिंग में आएंगे 100, 200, 500, 1000 लोग, मार डालेंगे तो आएंगे 20,000, सड़क पे आएंगे 2,00,000 आएंगे गौरी के लिए आएंगे। तो इसलिए कभी ना कभी सबको करेंगे खत्म, पर मुझे लगता है कि जान लेने से ये लोग जीतते नहीं हैं, हमको डराने से जीतते हैं। और जिस दिन हम कहेंगे कि हम डर से बाहर निकल रहे हैं, दैट इज द स्टेप दैट वी हैव टू टेक। यू हैव होप, आपको उम्मीद है? बिल्कुल होप है, बिल्कुल होप है कि द ओनली ऑल्टरनेटिव टू अ वीक डेमोक्रेसी इज अ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मुझे बर्टोल्ड ब्रेक्ट यहाँ पे याद आ रहा है कि पूछते हैं वो कि इन द डार्क टाइम्स विल देयर आल्सो बी सिंगिंग, वो गाने का ही मकसद पूछ रहे कि उस टाइम पे गाने का ही कोई मतलब होगा खुद को। मई 16, 2014 को मैंने ये लाइंस फेसबुक पे डाली थी। इन द डार्क टाइम्स विल देयर आल्सो बी सिंगिंग, और वो कहते हैं यस देयर विल आल्सो बी सिंगिंग अबाउट द डार्क टाइम्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अपने अंदर का जो गाना है, that is the hope। और सफदर ने इसको हिंदी में बहुत हिंदुस्तानी में किया था, किया था। तो I feel कि now or never मैं कह रही हूँ कि in terms of the state and state power, क्योंकि ये सरकार ना मोदी जी की है ना भाजपा की है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है, जिनके अभी 6 साल में 100 साल पूरे होने वाले हैं। ये हिटलर के साथ में रहे हैं, मैनिफेस्टोज इनके बहुत सिमिलर हैं, लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। और गुबेल्स जो कहते थे कि किसी झूठ को दोहराओ, तो मैं बचपन में सोचती थी ऐसा कैसे हो सकता है, पर आज हम सेक्युलर है तो हमको सेक्युलर बोला जाता है। हाँ, जो प्रेस खुलेआम बोलती है उसको प्रेस्टिट्यूट बोला जाता है, जो देश के लिए काम करता है उसको राष्ट्रद्रोही बोला जाता है। दिस इज गुबेल्स। और मुझे लगता है ये जो गुबेल्स का अगर इफ वी ये भूत अगर हमने एक्सेप्ट किया, खुद ही बिठाया हुआ है इधर पीछे, तो नाउ इज द टाइम फॉर ईच पर्सन टू आस्क वेदर माय टाइम ऑन अर्थ वाज वर्थ इट और नॉट। इतिहास में ये 50 साल कैसे लिखे जाएंगे, एंड वो सवाल जब आएगा, क्योंकि फिर नाजी जर्मनी में वो है ना कि इट इज नॉट सो मच व्हाट पीपल डिड बट द लार्ज मेजोरिटी दैट साइलेंट। और ये विनय और चारुल का वो जो है चुप रहना ही हिंसा की शुरुआत है, कातिलों में गिने जाने की बात है, गौर से अपने हाथों को देखो जरा, खून इन पर किसी का नहीं तो लगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरी नई जनरेशन जो है इनके ऊपर बहुत भरोसा है, मच ब्राइटर देन अस, मच शार्पर, मोर ऑनेस्ट देन अस, मोर करेजियस देन अस, और ये नहीं जाने देंगे ये मौका। दैट इज आई एम एब्सोल्युटली श्योर कि ये होगा। घर के अंदर और घर के बाहर ये जो है ये भी, जब हम तो पीपल अगेंस्ट पेट्रियार्की, पीपल फॉर कास्ट एनिहिलेशन, पीपल जो क्लास इश्यूज पे कर रहे हैं, हेटरोनॉर्मेटिविटी पे कर रहे हैं, हर माइनॉरिटी को
इकट्ठा अगर हम हो जाएंगे देन वी आर द मेजोरिटी. तो आज अगर हम एक एक माइनॉरिटी को जाने देंगे तो निमोले के पोएम जैसे कोई नहीं बचेगा. बट इफ ऑल माइनॉरिटीज गेट टुगेदर, हम लोग मेजोरिटी हैं. और अगर हम एक एक माइनॉरिटी को जाने देंगे तो हम अपने आप को अपने देश में माइनॉरिटी बनाएंगे. तो आई थिंक दिस इज द लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू नॉट गिव अप होप एंड टू से नाउ, नाउ इज टुडे एंड नेवर नेवर नेवर. थैंक यू.